नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर हलचल। और आज के हलचल में हम मौसम की बड़ी खबरों को मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी पटना समेत सूबे के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में पश्चिमी और मध्य बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। तेज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मौसम की स्थिति को देखते हुए 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जिलों में एक या दो जगहों पर गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। दरअसल मॉनसून की ट्रफ लाइन पटना होकर गुजर रही है, साथ ही बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके पास चक्रवातीय परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। मॉनसून की सक्रियता से सूबे में कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। विशेषकर अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के इलाके में भारी बारिश संभव है। पटना सहित कई जगहों पर आंशिक बारिश हो सकती है। मध्य बिहार में भारी बारिश की स्थिति है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। लोगों से यह आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि खुले में हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण लें। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। तो फिलहाल आज के हलचल में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।